કીમમાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ઈદે મિલાદુન નબીના દિને કીમના તવક્કલ નગરથી લઈ કોઠવા દરગાહ હશરત પીર મખદુમ શહીદ બાવાની દરગાહ સુધી જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું હતું. આ જુલુસમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો જોડાયા હતા, જેમાં મોહમ્મદ લાલભાઈ પટેલ ત્યાં ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ईद मिलादुन्नबी मुबारक मुसम्मा शहर के अंदर ईद मिलादुन्नबी नाम से लोग गले गले मिलकर के एक साथ धूम धूम कर ईद मिलादुन्नबी खुशियाँ मनाया और अकाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दिया. ईद मुबारक तुमको, ईद मुबारक. आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निकला हर साल की तरह तकरीबन 18 साल से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मस्जिद रोड से निकल करके दरगाह मस्जिद मुनाकुसम्बा तक जाता है और बड़े ही शाम के साथ में इस जुलूस में तमाम लोग मिल करके शामिल होते हैं और अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं. मैं मुख्तार अहमद अजमी मस्जिद इमाम खतीब और दारुल उलूम खैरिया चिश्तिया मुसम्मा का नाज़िम आला हूँ. लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही जोश व खरोश के साथ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया. हमारी तरफ से तमाम आलम इस्लाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारकबाद. मुसम्मा तलचाड़ी के अंदर आपके अंदाज से कितने हज़ार आदमी हैं? अंदाजन अंदाज तो किया नहीं जा सकता, पब्लिक के हिसाब से देखते हुए क्योंकि काफ़ी तादाद में हर साल दिन ब दिन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है. जुलूस के अंदर गुजराती समाचार तलचाड़ी मुसम्मा मंगलोर जिला सूरत ना हमारा ईद मिलादुन्नबी ना जुलूस में है शामिल ને સુલા શાંતિની સાથે સરકારની સાથે મળી અને પબ્લિકની સાથે મળીને આ જુલૂસને અમે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા અમારું બધાની અપેક્ષા દુઆ કબૂલ કરે. પરવરદિગારે આલમથી એક અપેક્ષા છે.